नमस्कार, मैं हूं सोनू केसरी, आप देख रहे हैं खबर मंत्र। फिलहाल एक महिला हमारे सामने हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ है मणिपुर मामले को लेकर, कुछ कहना चाहती हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहती हैं आप। नमस्कार सभी हजारीबाग देशवासियों को हमारा नमस्कार। मैं रीनू परवीन, राष्ट्रीय मानव अधिकार संयोग आयोग की मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, हजारीबाग की निवासी हूँ। मेरा खास तौर पे हमारा काम महिलाओं की सुरक्षा के हित में किया जाता है। आज से कुछ दिन पहले जो मणिपुर में महिलाओं के साथ जो घटने को अंजाम दिया जा रहा है, उससे हिंदुस्तान के सारी महिलाओं को इज्जत को तरकार किया जा रहा है, जो ये एक हिंदुस्तान के सभी महिलाओं के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। ख़ास करके मैं रीनू परवीन वहाँ के श्री आदरणीय CM से, मैं श्री ब्रेन मिस्टर सिंह जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जो वहाँ पे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उनमें कड़ी से कड़ी लोगों को सजा दिया जाए और उनके रोकथाम के लिए कड़ी से कड़ी कदम उठाई जाए, और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, जो अंजाम दे रहे हैं, उसमें लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के एक श्री आदरणीय PM का एक स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वहाँ के मैं CM को अनुरोध करना चाहूँगी इस चीज़ पर अच्छे से कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रीनू परवीन है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस कमीशन की, और खासकर हमारा महिलाओं हमारा डिपार्टमेंट वेमेन सेल हुआ जी। कोशिश कीजिए तो।